हमारा स्वयं को समझता क्या है? जब देखो हमारी बात काट देता है, हम उससे कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। बच्चों गोपियों क्या हुआ, तुम सब इतने भयभीत क्यों हो? राधा, किसी ने हमारे वस्त्र चुरा लिए। वस्त्र चुरा लिए? अर्थात? हम लोग जल खरीदने के लिए यमुना जा रहे थे, तभी किसी ने बिजली की गति से हमारे वस्त्र खींच लिए और हमें पता भी नहीं चला। हमें तो लगता है कि ये किसी असुर। नहीं गोपियों, असुर प्राण लेते हैं, वस्त्र नहीं। हम समझ गए कि ये किसका कार्य है। तो बताओ राधा, किसने लिए हमारे वस्त्र? हाँ राधा बताओ, किसने लिए हमारे वस्त्र? आओ हमारे साथ, हम बताते हैं कि किसने चुराए हैं वस्त्र। चलिए। अरे महाराज हिरण्यकश्यप जी, मथुरा नगरी में आपको स्वागत है। भगवान कंस के आदेशानुसार जे प्रेत भद्राज आपसे कछु विनंती करना चाहता है। आप तो स्वयं इतने सक्षम हो, महाबलशाली हो, महाप्रतापी हो, असुरों के असुर हो, महाअसुर हो, महाराज हिरण्यकश्यप हो, फिर स्वयं अपने प्रसाद लेने काहे नहीं गए वहां? अपनी बहने मन ने काहे भेज दियो? नहीं, ये बात सुनने में बुरी लग रही है, पर मुझे कहने में और बुरी लग रही है। अरे जे सत्य है, आज तक जितने भी असुर गिए सबके सब नहीं समझे मक्खन, नहीं समझे, अरे मर गए। मोए भय है महाराज कि आपके बहन प्रेम में कहीं बा होलका को कंस नाम सत्य न है जाए। अध्यक्ष, हमारी बहन होलिका बालकों के लिए साक्षात काल है। अरे ये काल है तो वो महाकाल है। अरे वो दिखने भरे को बालक है, पर बल में वो विष्णु से छटांग भरे को कम नहीं है। कितने असुर, उतना इतना अघासुर बकासुर, कितने सुर, सबको खेल खेले में काम मक्खन कर दियो। मैं तो कह रहा हूं महाराज, जा से पहले कि वह छलियों को आपकी योजना को पता चले, आप वज्रभट पे आक्रमण कर दो। काना को और वज्रभट वासियों को कंस नाम सत्य कर दो, आप तीनों को प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। बात तो तू सत्य कह रहा है, उस विष्णु को संभालने का अवसर ही क्यों देना? प्रेत होकर भी तू समझदार है भद्राक्ष। मैं जानता हूँ, पर ये बात आप कंस भगवान से मत कहना, ज्यादा समझदारों की भलाई नहीं है उनके सम्मुख। समझी काकी, आपका लल्ला अभी तक सुधरा नहीं है, कितना भी समझा लो किंतु उसकी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं है। किंतु राधा बिटिया, मेरा लल्ला किसी के वस्त्र क्यों चुराएगा? हम बताते हैं काकी, ये तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि ग्वाला माखन क्यों चुराता है, बछड़ों को चोरी से दूध क्यों पिलाता है, लोगों की मटकियाँ क्यों फोड़ता है, किंतु करता सब वही है, इसलिए वस्त्र भी उसी ने चुराए हैं। राधा बेटिया, यदि लल्ला ने इस बार वस्त्र चुराए होंगे ना, तुम देखना मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ताकि जब आप उसे पकड़िएगा तब पकड़िएगा, पहले सबके वस्त्र तो दिलवा दीजिए। गोपी, क्या कान भर रही हो तुम मेरी भोली भाली मैया की? ग्वाले, हम कान नहीं भर रहे, सत्य बता रहे हैं तुम्हारा। लल्ला, मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्यों वस्त्र चुराए तूने गोपियों के? मैया, या क्या कह रही है, मैंने कहा चुराए गोपियों के वस्त्र? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो दाऊ से पूछ लीजिए, मैं उनके साथ आम वन में था, है ना दाऊ?
ना समझे ये लोग, जो इस सृष्टि के पालनहार है, जो सभी को जीवन भोजन वस्त्र देते हैं, उस प्रभु पर ही ये लोग वस्त्र चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दाव बोले ना, मैं आपके साथ आम मन में था ना। हाँ काकी, कान्हा मेरे साथ ही था। इससे पहले आपके गांव का नाम तो कभी नहीं सुना। अब ब्रजमंडल में कितने गांव हैं? एक आध गांव का नाम तो लोग भूल भी जाते हैं, है जी? वैसे बात तो ठीक ही है, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? वो बालक बाल ग्वाल जाऊ कबा को अर्थ है कि वो तो गैया पालते हैं ना। भैंस पालक हैं हम तो। तो भैंस के बदले गाय चाहिए। बस इतनी सी बात। देखिए हमें भैंस की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु आप इतनी दूर से आए हैं तो एक गैया हमारी ओर से उपहार में ले लीजिए। आपको लल्ला कान्हा कहीं दिखाई ना दे रो? कान्हा, आप हमारे लल्ला को कैसे जानते हैं? जी वृंदावन कान्हा के नाम से तो जाना जाता है। यदि ये कैया कान्हा के हाथों से मिलती तो प्रसन्नता होती। प्रसन्नता तो हमें भी होती, परंतु इस समय कान्हा घर पे नहीं है। तो कब तक आएगा वो? ये तो केवल कान्हा ही बता सकता है कि कान्हा कब आएगा। महाराज, यदि कान्हा वृंदावन में भी नहीं, घर पे भी नहीं, तो अवश्य महावन में है वो। तो प्रतीक्षा करेंगे उस, किंतु उपहार तो कान्हा के हाथ से ही लेंगे। तब तक हम आपका वृंदावन देख कर आते हैं। कान्हा, राधा सत्य कह रही है, यदि इतने लोग खोजेंगे तो कोई भी चोर सामने नहीं आएगा, इसीलिए हमें कोई दूसरी योजना बनानी चाहिए। दूसरी योजना? दाऊ, एक योजना तो हमारे सामने ही खड़ी है। ग्वाली, तुम हमें देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? गोपी, क्योंकि ये योजना तुमसे ही संबंधित है। हाँ? ये नहीं होगा ग्वाले, तुमने हमें समझ के रखा है। अरे गोपी सुनो तो सही, यही एक अच्छा उपाय है उस वस्त्र चोर को पकड़ने का। नहीं नहीं, उस वस्त्र चोर को पकड़ने के लिए नहीं देनी हमें अपनी आभूति। हम इस वन में अकेले नहीं रहेंगे। गोपी, तुम सिर्फ वन में अकेले दिखोगी, हम तो तुम्हारे आसपास छुपे ही रहेंगे ना। और जैसे ही वो वस्त्र चोर आएगी या आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। और यदि तुम लोगों ने आने में देर कर दी तो? राधा, कान्हा देर कर सकता है किंतु तुम्हारा दाव नहीं। चिंतित क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दाऊ, चिंता की कोई बात नहीं, बात ये है कि हमें ये कार्य करना ही नहीं है। दाऊ, गोपी सत्य कह रही है, मैं तो भूल गया था, ये साहस का कार्य है। भला ऐसे गोपी कैसे कर सकती है? मैं तो आज तक यही सोचता आया हूँ कि गोपी किसी से नहीं डरी, किंतु ये तो मेरी भूल थी। तुम कहना क्या चाहते हो ग्वाले? हम राधा हैं, हमारे बाबा के पास 1,00,000 गैया है, हम किसी से नहीं डरते। किंतु ये तो हम तभी मारेंगे जब तुम इस वन में अकेली रहोगी। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम इस वन में अकेले जाने के लिए तैयार हैं। किंतु ग्वाले, यदि हमें कुछ हुआ ना तो हम तुमको देख लेंगे। चलो चलो, देर मत करो, सभी लोग शीघ्र ही छुप जाओ, इससे पहले कि वो वस्त्र चोर गांव में आकर किसी और के वस्त्र चुराए। हमें संध्या से पहले उसे पकड़ लेना है। चलो जाओ।
वस्त्र चोर अभी तक आया क्यों नहीं? ये कैसा संकट है? ये सारे वस्त्र सुरेश पर कैसे बंध गए? मैं तो केवल किसी का अंत कर सकता हूँ, किंतु इस प्रश्न का उत्तर तो केवल कान्हा ही ढूंढ सकता है। मुझे शीघ्र ही जाकर कान्हा को इस विषय में बताना होगा। कान्हा! दाव, क्या हुआ? आप दौड़े दौड़े क्यों आ रहे हैं? कान्हा, अच्छा हुआ तुम मार्ग में मिल गए। चलो तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ। क्या हुआ दाव? कान्हा, समय नहीं है, प्रश्न मत करो, चलो मेरे साथ, चलो। कान्हा, देखो, मैंने यही इसी वृक्ष पर उन वस्त्रों को टंगे देखा था। पड़ाव, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये कैसी माया है? अभी अभी तो यहाँ पर वस्त्र टंगे थे। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन वस्त्रों के पीछे का रहस्य क्या है। प्रभु, अग्नि वस्त्र के द्वारा ही होलिका का अंत हुआ था, अतः वो वृंदावन वासियों के वस्त्रों के द्वारा ही किसी प्रकार का अनर्थ करने का प्रयास करेगी। दाव, शीघ्र चलिए, अन्यथा कोई जीवन नहीं बचेगा। दाव, किंतु कान्हा, तुम्हें अचानक से क्या स्मरण आ गया? दाव, बस इतना समझ लीजिए कि मुझे इन वस्त्रों का रहस्य समझ में आ गया। क्या? ठीक है कान्हा, चलो। अवतार श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हें माया रचने का कोई अवसर नहीं दूंगी, क्योंकि इसी माया में उलझाकर तुमने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया था और मैं अग्नि में जल गई थी। और तब से ये संसार मेरे नाम की होली जला रहा है, किंतु अब मैं जलाऊंगी होली तुम्हारे प्रिय वृंदावन वासियों की। वृंदावन में हो वे, ये क्या? तुमने तो अभी तक यही नहीं कूटा, अभी तो बहुत काम बाकी है, जल्दी करो। हाँ, आ, आ, ये कैसा ताप है? आ, आ। दामोदर जी, क्या हुआ आपको? नंदरानी, पता नहीं, मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे अग्नि में जला रहा है। किंतु यहाँ तो आसपास कोई अग्नि नहीं। पता नहीं नंदरानी, किंतु ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर में अग्नि दौड़ रही है। नंजी, नंजी देखिए दामोदर जी को क्या हो गया? ताप असहनीय नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे जला रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें? दामोदर जी, हे प्रभु, क्या हो गया? सुखदेव, मनसुख, आओ शीघ्र, आओ, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाना है, चलो। दामोदर, चलिए, शीघ्र करो। शीघ्र चलो, जीत गई। चलिए, आइए, शीघ्र कीजिए, आइए। नंद बाबा, नंद बाबा, मैं जीवित नहीं बचूंगा, यह अग्नि मुझे भस्म कर देगी। दामो काका, क्या हुआ आपको? दामो काका, काना, मेरे शरीर का ताप बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर को आग लग गई है। आग? नंद बाबा, यह अग्नि तो बढ़ती जा रही है। आ
अब एक एक करके तुम्हारे सभी भक्त जलेंगे। परम अवतार श्री कृष्ण जिस प्रकार मैं जली थी। परम अवतार श्री कृष्ण। होलिका, तुम्हारी शत्रुता मुझसे है, तुम्हें मुझसे प्रतिशोध लेना है। तो तुम वृंदावन क्यों जा रही हो? मैं तो यहाँ हूँ। मेरे साथ अधर्म करके भी तुम मेरे सम्मुख आने का दुस्साहस कर रहे हो? ये तुम्हारा भ्रम है। मैं जीवन में किसी के साथ भी छल नहीं करता, मैं किसी के साथ भी अधर्म नहीं करता। विष्णु अवतार, तो छल पूर्वक क्यों किया तुमने मेरा अंत? होलिका, छल तो तुमने मेरे भक्त प्रहलाद के साथ किया। ब्रह्मदेव ने तुम्हें जो वस्त्र दिया था वो संसार के कल्याण के लिए दिया था, किंतु तुमने उसका उपयोग भक्त प्रहलाद के अंत के लिए किया। मैं तो बस अपने भक्त की रक्षा कर रहा था। तो इसका अर्थ है कि तुम अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी का भी अंत कर सकते हो? नहीं होलिका, यदि मेरा भक्त कोई अपराध करता है मैं उसे भी दंड देता हूँ, किंतु तुमने एक निरपराध को दंड देने का दुस्साहस किया। निरपराध नहीं था वो, अपराधी था। भक्त प्रहलाद तो एक बालक था, भला बताओ उसने क्या अपराध किया था? अपने पिता की भक्ति छोड़कर वो तुम्हारी भक्ति कर रहा था। होलिका, वह तो इसलिए क्योंकि उसके पिता अधर्म के मार्ग पे थे। धर्म हो अथवा अधर्म, पिता पिता होता है और पुत्र को पिता की ही भक्ति करनी चाहिए, पिता की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। नहीं होलिका, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छा द्वारा अपने भगवान की भक्ति करने का पूर्ण अधिकार है। यदि प्रहलाद मुझे अपना प्रभु मान रहा था तो उसमें हिरण्यकश्यप को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। हस्तक्षेप तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था विष्णु अवतार, किंतु तुमने किया। पुत्र और पिता के मध्य में, प्रहलाद और मेरे मध्य में, इसलिए आज मैं भी सर्वनाश करूंगी तुम्हारे सारे भक्तों का। होलिका, अंतिम अवसर है तुम्हारे पास, लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा हमें पुनः तुम्हारी होली जलानी पड़ेगी। परम अवतार, होलिका को अग्नि का क्या भय? भय तो अब तुम्हें और तुम्हारे भक्तों को होना चाहिए। ठीक है होलिका, जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें अंतिम अवसर नहीं दिया। नारायण नारायण। प्रभु, कान्हा होलिका को समय क्यों दे रहे? वे भली भांति जानते हैं ये होलिका उनके भक्तों पर संकट बन सकती है, तब वे उसका अंत क्यों नहीं कर देते? प्रभु, देव ऋषि, सतयुग में होलिका का जन्म प्रकृति के नियमों के अनुसार हुआ था, परंतु द्वापर युग में उसे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जीवित किया गया है। इसीलिए किसी भी शास्त्र और शक्ति से उसका अंत नहीं हो सकता। नारायण नारायण। प्रभु, तब इस होलिका का अंत किस प्रकार होगा? देव ऋषि, सतयुग में होलिका ने भक्त प्रहलाद को समाप्त करने का प्रयास किया था, इसीलिए उसका अंत केवल भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। नारायण नारायण। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया।
होलिका, तुम मेरे सम्मुख दो बार आ चुकी हो और तुम्हें मेरी मुद्गल का सामना करने का सौभाग्य इस बार मिलेगा। तुम यहाँ वृंदावन वासियों को चिल्लाने आई हो ना, और उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। दादा, हम इस बांस के वन में क्या करने आए हैं? विशाखा, हमें कुछ कच्चे बांस काटकर वृंदावन लेके जाना है और एक कार्य शीघ्र करना है। किंतु हम इस बांस का करेंगे क्या? समय आने पर सब पता चल जाएगा विशाखा, अब शीघ्रता करो जाओ। देवी होलिका, नारद मुनि का प्रणाम स्वीकार करें। देवताओं के ऋषि, अब कौन सा शुभ करने आए हो तुम हम असुरों का? नारायण नारायण, आप क्रोधित ना हो देवी, मैं तो सुर असुर सबका शुभ चिंतक हूँ। आपके कार्य को सिद्ध करने आया हूँ देवी, आप ही को दिशा दिखाने आया हूँ। मुझे अपना मार्ग पता है नारद, तुम अपना मार्ग लो। ठीक है देवी, जैसी आपकी आज्ञा, किंतु तनिक ध्यान से देखिए, आप जिस दिशा में जा रही हैं, वो दिशा वृंदावन जाती है या कहीं आपको दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? अर्थात वृंदावन इस दिशा में नहीं, उस दिशा में है। शेष आपकी इच्छा। नारायण नारायण। नंदरानी, पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब सभी वृंदावन वासी अपने अपने घर से गौ दूध लाएंगे। गुरुदेव, क्या सबके घर से गाय का दूध लाना आवश्यक है? हाँ नंद, कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, केवल तभी सभी वृंदावन वासियों के जीवन की रक्षा हो पाएगी। उस दूध से हम पंचामृत बनाकर भगवान विष्णु का दुग्धाभिषेक करेंगे। जी गुरुदेव, जाइए, आप सभी अपने अपने घर से गाय का दूध ले आइए, शीघ्रता कीजिए। गुरुदेव, मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तुम लोगों ने, अब होलिका तुम लोगों की चिता जलाएगी। जब संपूर्ण वृंदावन जलेगा तब कहां छुपोगे तुम लोग? होलिका आप ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ेगी। प्रत्येक वर्ष तो
बड़े उत्साह से होलिका की होली जलाते हो तुम लोग, अब भाग रहे हो। मनाओ होली, मनाओ उत्सव। कहाँ है उस कृष्णा का घर सबके साथ, आज वो भी जलेगा।